अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, स्वीट एंड लवली एंड क्यूट होंगे। मुझे तो आप जानते ही हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजे जुनेद इकबाल। चलो मैं अपना भी बता देता हूं जनाब। आरजे बहलोल मुर्जा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका है जनाब, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं हैप्पी न्यू ईयर की जो आज मस्त मस्त शाम है, बहुत सुहानी एंड प्यारी मीठी फिजाएं, हवाएं, क्यूट क्यूट लवली लवली फेसेस आज आपके सामने आ रहे हैं जनाब। बहुत प्यारी पर्सनालिटीज आज की रात आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम सब मिलकर हमारा खा रही है सेवन के साथ हैं। ये यू क्यों ना कहता चलू जेद भाई की हमारा खा रही है सेवन के रंग आप सबके संग। तो आज की नाइट जुनेद भाई कैसे आप एंजॉय कर रहे हैं? मैं खुद बोले जा रहा हूँ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी सभी सुनने वालों को, उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे, खुश पाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और हमारा खाली 97 को ट्यून किए होंगे जी। बिल्कुल, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त आदित्य जुनेद इकबाल। ट्रांसमिशन का कोई नाम नहीं है, ट्रांसमिशन न्यू ईयर नाइट स्पेशल है और मैं जुनेद इकबाल मेरे साथ मौजूद है बड़े प्यारे से लिशकते हुए। और आप जो देखने वाले हैं, मैं सबको बताना चाहूंगा एक चीज, आप नोट कीजिएगा, बहलोल साहब का हाथ देखे बस। ये मुझे पहने आप हाथ पे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, दोनों हाथ में पहने, पता नहीं जेब काट के सी। नहीं, मैंने आजकल तो अभी जर्बी पहनी हुई है जनाब, खूबसूरत सा मकूला और चुटकला भी जी। बिल्कुल, आप एंजॉय करेंगे रात 12 बजे तक और 12 बजे के बाद जब साल बदलेगा तो कईयों के हालात बदलेंगे, कईयों के जज्बात बदलेंगे और हम नहीं बदलेंगे। बहलोल साहब मेरा थोड़ा सा रंग बदल गया, थोड़ा सा बदल गया आगे आगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ से थोड़ी सी ब्यूटी इधर भी कन्वर्ट हो गई है। तो बात कर रहे थे न्यू ईयर की, तो हम कह रहे थे कि जिस वक्त हम न्यू ईयर, क्योंकि ऊपर तो बड़ा माहौल चल रहा है, वो एक सरप्राइज है, वो भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, बहलोल साहब और मैं लाइव होंगे, फेसबुक पर आएंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है, क्या मस्ती हो रही है, वो भी एक अलग से सीन है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि न्यू ईयर नाइट की, न्यू ईयर भी हो गया, नाइट वो एक ही चीज होती है। कुछ लम्हात रह गए जी, बाकी थोड़े से ही चंद ही लम्हात हैं, उनके बाद हम तकरीबन थोड़ी 45 मिनट रह गए शायद। बिल्कुल ऐसी बात है, 47 मिनट। इस 45 मिनट में हम आपसे ये भी पूछेंगे कि आपने 2021 में कौन सी ऐसी खूबसूरत चीज हासिल की और कौन सी ऐसी खूबसूरत चीज जिससे आप महरूम हो गए, जो अभी भी आप कहते हैं कि काश के मेरे पास थोड़ी सी मोहलत और होती तो 2021 में मैं ये काम कर सकता। मैं बहलोल साहब से भी पूछूंगा क्योंकि इनकी वो एकदम से अचानक से निकल आई है, जो लफ्ज है ना काश, इस पे मैंने आह किया है, मतलब ये काश लगे हंसी हाथ का कंगन होता, नहीं ना होता कंगन, तू बड़े प्यार से उतार के फेंक देती, पटक दे के मारती जनाब दीवार के साथ। कंगन के साथ आजकल बड़े बुरे हालात होते हैं, कंगन मैं बिल्कुल भी ना होता आपके हाथ का, क्योंकि मैं जो हूँ अलहमदुल्ला ठीक है, सारे मामले आते हैं। अच्छा जुनेद भाई, अच्छा मुझे बताएं एक बात बताएं, आपके आप से लोगों ने माफी छवि मांगी है? अच्छा, क्योंकि मैंने स्पेशल डिस्काउंट दिया। अच्छा, मैंने सब जरा सेल्फी ले, स्टेटस भी हम डाल दिया साथ, वो एक्चुअली हमारा स्टेटस तो रह गया था, जस्सी लस्सी तो रह गई, नहीं रहने दो रहने देते नहीं, मेरे पास है मैं वो लगा देता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस वक्त आजे जुनेद इकबाल और बहलोल मुर्तजा बिल्कुल लाइव है। अच्छा, मैंने ना माफियों की जो बात है ना जी, हाँ जी, मुझसे किसी ने माफी नहीं मांगी। अच्छा, मैं समझता ना गलतियां भी लोग करते रहे, किसी ने माफी कोई नहीं मांगी, मैं कल भी सारा दिन वेट करता रहा, परसों भी वेट करता रहा, जब किसी ने माफी नहीं मांगी तो मैं सोचा मैं ही मेरे मांग लेते लोग भी मुझसे माफी मांगने शुरू कर दे, मैंने मांग ली लेकिन लोगों को फिर भी कोई समझ नहीं आई, उन्होंने कहा चल तेरे बाप की उन्होंने मुझे मुझसे नहीं मांगी, फिर भी उन्होंने लोग बड़े जालिम समाज है, उन्होंने फिर भी मुझसे माफी नहीं मांगी, ये क्या हुआ है जुनेद भाई आपको पता आज
जो ये दिसंबर था ना, इस दिसंबर में इस न्यू ईयर को लोगों ने ये तासुर जो है वो बदल दिया माफी मांगने वाला। अच्छा, उन्होंने नया रिकॉर्ड कायम किया कि एक लाइन असि तो पूछ नहीं। अच्छा। वो भी अभी नया ट्रेंड चला है, मेरे लिए एक लाइन, मेरे लिए एक लाइन, हाँ मेरे लिए एक लाइन इस साल। अच्छा, कुछ तो मूर्ख लिखते हैं। मूर्ख क्या, मूर्ख कहते हैं, सॉरी आई अपोलोजाइज, मुअर्रख लिखते हैं, कुछ मुअर्रख लिखते हैं कि इस जो 2021 जो गुजर रहा है, आप मुझे कोई अच्छी सी नसीहत कर दे। अच्छा। कुछ आप मुझे अच्छा बताना चाहे, मेलो साहब यू नो वेरी वेल। या एग्जैक्टली, आई नो वेरी वेल अबाउट इट। अच्छा, वो कहते हैं, अच्छा एक बंदे ने मुझे कहा, जी मुझे मैसेज किया, प्लीज मेरे लिए एक लाइन, मैंने लंबी सी लाइन बना के ना पेपर पे पेंसिल से लाइन बना के मैंने पिक्चर बना के सेंड की, मैंने कहा ये आपके लिए बहुत बड़ी लाइन है, तो इस पे गौर करें और सोचें इसको, इस लाइन को। तो वो तकरीबन थोड़ी देर के बाद से मुझे वापस मैसेज किया, कहता है ये आपके लिए लाइन है, कहता है ये वापस आप ले लें, आपकी जो लाइन है ये आपके पास रहनी चाहिए। तो मैंने कहा यार ये तो आपने गलत किया। तो आप कभी किसी ने कहा है कि हमारे लिए कोई लाइन शाइन भेजें, या जनाब को माफी चाहिए आपसे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे माफी चाहिए मांगी है? सिलसिला इस चला है आपकी, आपके माशरे में, आपकी सोसाइटी में ये सिलसिला माफी चाफी वाला चला है या नहीं चला, आप हमें बता सकते हैं जनाब। यहाँ पे हम लाइव हैं फेसबुक पे, तो आप मैसेजेस भी बिल्कुल आना शुरू हो गए हैं, मैं दो तीन मैसेजेस हैं वो शामिल कर। जी जी, मैसेज आया है कि शुक्र है जुनैद भाई आप आ गए हैं, कब से वेट कर रही हूँ, क्या बात है। ओ अच्छा, आपको पता था कि मैंने आने हैं। हेलो आरजेज, वेलकम। समरा राजपूत है, कहती है कि उम्मीद है कि नया साल आपकी जिंदगी का बेहतरीन साल साबित होगा, अल्लाह करे आपकी सारी नेक तमन्नाएं पूरी हो, नया साल 2022 मुबारक हो, आपकी शादी हो जाए, गले मेरी। अच्छा। मेरी ना हो, क्योंकि मेरी तो ठीक है मामला, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आमीन आमीन। और मैसेज क्या आया है, मैसेज आया है अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम, जी आया नू जी, बहुत शुक्रिया जी। और मैसेज आया है, आप मेरे मैसेज भी रीड करें प्लीज। और क्या लिखा है, ओ आरजे जुनेद भाई आए हैं, मिस यू भाई जुनेद जी, मिस यू टू। क्या नाम है जी, मुजीबा फ्रॉम गुजरात, मुझे याद आ गया एकदम से। तो आज के दिन हम आपसे एक हल्का सा सवाल, छोटा सा हल्का सा, जैसे बुखार होता है ना, हल्का सा सवाल हो। सवाल ये है कि आपने बताना है कि कौन सा ऐसा काम है जो आप 2021 में नहीं कर पाए, या कौन सी ऐसी चीज है जो आप हासिल नहीं कर पाए। यार मैं वाकई चिट्टा के मैं आ गया। अल्लाह नाला ने आज आपको ना ताकत बख्शी कि आप भी जीते आ सकते। हाँ, आपके तवज्जो से अभी कह दिया मैं नाला, कि जो देखने वाले हैं वो ये समझे कि ये सारा हुसन इधर से ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, अच्छा। वो कहते हैं ना कि बात पे, इस बात पे रोशनी डालें, तो फेसबुक वालों ने और FM 97 वालों ने हमें बड़े बल्ब से हमारे ऐसे रोशनी की हुई है, ताकि जनाब अभी अच्छे से नजर आए। फेसबुक के कमेंट को भी शामिल करते जाते हैं, सैफ इकबाल है, कहते हैं सलाम अलैकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, राना अदनान अली है, कहते हैं सलाम टू ऑल, वालेकुम अस्सलाम, और कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर जी, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। अब्दुल जब्बार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जब्बार, एथन सुगनान से आपको और तमाम सुनने वालों को सलाम एंड हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा जी, सभी देखने वालों को और सुनने वालों को मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, इनको FM 97 से, अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, ये हमेशा से बड़ा ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी जगह हमारे दिलों में है, FM 97 के दिलों में है। और फैसल हुसैन भट्टी कहते हैं सलाम अलैकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं अल्लाह पाक FM 97 की टीम को खुश रखे लाइफ में, और आमीन सुमामीन, बहुत शुक्रिया। कहते हैं आई विश यू अ न्यू ईयर फुल ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग, हैप्पी न्यू ईयर 2022, वाह, विश यू एवरी सक्सेस दिस ईयर, आई होप दैट यू विल फाइंड जॉय एंड सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि थोड़े कदम आते हैं चलते चलते, और हैप्पी न्यू ईयर 2022 और सीमोर। सीमोर राजा आसिम है, कहते हैं सलाम जी, वालेकुम सलाम, और काशिफ अली मलिक है, कहते हैं जब बहू को घर लेके आए तो खुदारा उसे एडजस्ट होने का वक्त दे, 20 से 22 साल की लड़की से आप 50 साल की औरत की समझदारी की उम्मीद मत करें, जैसे घर में बेटी आपकी बेटी को
मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे आप अपनी बेटी को समझते हैं ना, वैसे उनको भी समझे। 2022 का पैगाम है। हाँ जी बिल्कुल, और काफी लंबा पैगाम है, अल्लाह के हुक्म से 30 करोड़ लिख दी है। जी बहुत शुक्रिया कि आपकी मोहब्बत है, ये तलेह भी दो बार देता है। लो जी, जो हम अच्छे जो आप बात करने ही वाले थे, बैलून से पड़े नहीं चुको। जी मैसेज आया है, हिना जट कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आरजे? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। ना ते तुसी, ना ते किसी ने माफी मांगनी है, ना कोई लाइन किसे वास्ते। ओके हो गया जी। और निसार अहमद है, कहते सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, बहुत शुक्रिया जी। और कहते हैं कि अलविदा साल 2021, और दुआ है कि आने वाला साल 2022 सबके लिए नई खुशियां लेकर आए, आमीन। और जब्बार भाई कहते हैं माशाल्लाह भाई जान, ऐसी कोई बात नहीं, आप दोनों भाई बहुत 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 आपके पास अच्छे एंड खूबसूरत, ठीक हो गया, अल्लाह इसी तरह आपको खुश रखे, आमीन। और बहुत शुक्रिया थी सभी का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और शामिल हुए। कोई हमें इशारे कर रहा है, कोई हमें इशारे कर रहा है बाहर से, क्या कहते वो है? हमारा हुस्न हमसे छीनना चाह रहा है। थोड़ी देर की खुशी मिली है हमें यार, एंजॉय इतनी सी हमारी छोटी छोटी चांद का। अच्छा मैंने देखा चांद जब आते हैं लोग ऐसे करते हैं, वो अच्छा चांद कह के ना, चांद अपने मुंह में बिठा देते। वो एक ना बीवी होती है ना, एक ही बीवी, एक उसकी बीवी होती है बेचारे की, मजलूम होता है मेरी तरह। तो नहीं मेरी बात सुने। अच्छा वो अपने ना शोर को कहती है कि तू मेरे लिए चांद ला सकते हो, चांद तारे ला सकते हो। वो कहता है, उसको ना कहता है शीशे की तरफ देखो। वो समझती अच्छा मैं तुम्हें चांद लगती हूँ। कहता नहीं नहीं ए मुंह देखो, अच्छा देखो अपना, मतलब तुम्हारा ये हम डेडिकेट करेंगे हिना शाह को। साथ ये कहते हैं कि ये मोर है, ये मोर माफी ना मांगना, लाइन ना बनाना। अच्छा जी मैसेज आया है, और जुनेद कुछ तुमने पहचाना क्यों नहीं मेरे मैसेज से, बहलोल भाई से पूछो कि ये मैसेज किसका है। जी ठीक हो गया, मरियम धोरिया से मैंने पहचान लिया था आपका मैसेज। और क्या लिखा है जी, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो गया जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और क्या मैसेज आया है, मैसेज आया है मेरी भी बहुत ख्वाहिश है कि मैं इस साल उमरा के लिए जाती, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश ना पूरी हो सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये विश भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह जी, अल्लाह आपकी ये विश पूरी कर दे। और इंशाल्लाह आप भी दुआ करके कर दिया करें यही लम्हा कबूलियत का हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। और हैप्पी न्यू ईयर कहती है, बहुत शुक्रिया जी, हैप्पी न्यू ईयर। और मैसेज आया है बहुत ज्यादा सारे, हमारे एक दोस्त है सबाहत रिजी साहब, वो भी हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जिनका, थैंक यू सो मच। और सैम राजपूत, सो नाइस, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच। और एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और लिखा है कि वाकई ठीक आख रहे हो, मैं भी स्टेटस लाला थक गया, लाइन वाला। किसी ने असर नहीं होया, किसी ने माफी नहीं मांगी, टीट हो गए ने सारे। सारी फ्रेंड्स, सारी फ्रेंड्स गवाह ने, किन्ने दिन हो गए ने स्टेटस ला रही कि माफी मांग लो, पर नहीं जनाब। और हमना है फ्रॉम खारिया कैंट से, फ्रेंड्स को सलाम, इंक्लूडेड माही, हानी, निशा, इरम एंड स्पेशल सलाम टू पाक आर्मी कैरी ऑन। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैसेज आया, मुझे पता था भाई आप आएंगे, कैसे पता था आपको मैं आऊंगा। और लिखा है कि भाई पता, मुझे इतनी नींद आई थी पर मैं सोई नहीं, ये ना हो मैं सो जाऊं और भाई आ जाए, मिस यू, मिस ना कर दूं। और साधे ये तो वो बात होगी, सो जाओ क्या तुम आएगी, सो जाओ मनु मिली आएगी, सो जब बुआ अच्छा मैं ये भी पढ़ने लगा था कि लैट लैव पायल। हिना जट कह रही बाज आ जाए, कितना लिखा है जी वो सबसे आखिर पे। अच्छा जी मैं यहाँ से पढ़ता जाता हूँ मैसेज, मैंने ये कुछ मिस कर दिए। प्रिंस हादी कहते अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और अली हसन अस्सलाम वालेकुम, अली हसन जांटला से बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। और हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं अली, बहुत शुक्रिया। प्रिंस हादी कहते हैं, मीर हजर खान
नाइस प्रोग्राम, नया साल मुबारक हो जी। खैर मुबारक आपको भी, ये होते लैन दे पाए ना, चढ़ते लैन दे एक बार, ये नवा चंद चढ़ा दे पहले से। खान मोहम्मद चौधरी कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर टू पाकिस्तान एंड बरनाला आजाद कश्मीर, और हिना जट कहती है कि बाज आ जाए। नादिया सुफियान कहती है हैप्पी न्यू ईयर, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा मैंने नोट किया है कल, क्योंकि फ्राइडे था, फ्राइडे कल ही था ना। हाँ जी, आज फ्राइडे था, फिर थोड़ी सी देर हुई थे, कल हो जाना। अच्छा एक साल पहले। अच्छा आज फ्राइडे, आज फ्राइडे था तो मैं वैसे मैं सोच रहा था लोगों ने शुक्र किया, लोगों ये नहीं कहा कि इस साल का आखिरी जुमा मुबारक रमजान का जुमा मुबारक, जुमातुल विदा, इस साल का जुमातुल विदा सबको मुबारक हो। नादिया सुफियान है कहते हैं फ्रॉम खानिया कैंट से हैं हमारे साथ हैं, ओके जी। मिर्जा अरसलान है, सलाम कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। और कौन कौन है जी? नौमान, तुम आए तो आया मुझे यार, गली में चांद निकला। नहीं धुंध है तो आज गली में चांद नहीं है, धुंध है गली में आज सांड निकला। अच्छा नौमान मलिक कहते हैं तुमको लगा कि 365 ही दिन थे, हम पर तो जैसे साल में सदियां गुजर गई। ये वो बंदा जो माफी मांगता रहता है, जो अच्छा कुछ लोग ऐसे दिसंबर में ऐसे लगते हैं जैसे ये अकेले रहते हैं, अकेले पहाड़ों में अकेले रहते हैं, अकेले खाते हैं, अकेले पीते हैं, अकेले ही अकेले रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में अकेले, सुनसान वादी में कोई आलिम वाली नहीं है इनका, तो बस ये दुख भरी दास्तान सुनाते रहते हैं ना दिसंबर में। अगर जून जुलाई में इससे किसी होगी है तो सख्ती दिसंबर दी है। बंदा पूछे दिसंबर में की बगाड़ा, अक्टूबर तो शुरू होने में पाए ना। शायान हैदर है कहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर जी शायान हैदर स्वीट हार्ट। ऐसे जी मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल चाल है जी, अल्लाह के शुक्र में ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम, लिखा है आई एम महविश फ्रॉम बिदर मरजान, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तीन मैसेज और ने पहचान, उसके बाद मैं तुहानू जेड़ा ना आखांगा के कंटिन्यू करो। अच्छा, मैसेज आके कहंदे ने अस्सलाम वालेकुम नौरानी चेहरे वाले, यानी कि मैं ओके एंड कोच भाई जी ने देखा। आई एम सोनाक्षी, ओ फायजा कैसी है, ठीक ठाक है। और मैसेज है कि भाई कोई न्यू ईयर के बारे में पोइट्री सुना दे एक दो लाइन में जी। बिल्कुल जरूर सुना देंगे, परेशान नहीं होना। बहलोर साहब है ना शायर जुनूब, और लिखा है कि तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज सांड निकला। अच्छा, वो जो मैंने अचानक से बोल दिया था, चांद निकला, चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आए मुझे याद। जी बहलोर साहब पोइट्री जी, पोइट्री का जो पी है ना मुझे वो भी नहीं आता ना करो भाई मैं। अच्छा सुनने का बहुत शौक है, किसी ने की हो अच्छा उसका पढ़ने का शौक है, लेकिन शायरी में खुद शायर नहीं हो ना, मुझे शायरी में खुद मुझे याद नहीं रहते शेर। वो बात करते पता क्या होता है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। मेरे शेर आपने पूरा सुनना है, आप सब जिसने फरमाइश की है उसने भी इंजॉय करना है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अच्छा आप मेरी लय देखिए, तुम्हारा मुकर्रर, आप मेरी लाइन में देखिए, मैं कह रहा हूँ हिजर पाइन। तो अगर मुझे आप शेर का पोल्ट्री का बोलेंगे तो मेरे पास दो रियालिटियां होंगी जी। मैं कुछ सर गोशो गुजार जी करे करे करना चाहूंगा। इरशाद, इरशाद कौन है, कौन है इरशाद, कौन है मेरी है, मैं आप सुना रहा था ना। जुनेद, 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 जुनेद कहने ने के कोई हार गया कोई जीत गया, ये साल भी आखिर भी बीत गया। कोई हार गया कोई जीत गया, ये साल भी आखिर बीत गया, कभी सपने सजे आंखों में, कभी बीत गए पल बातों में, कुछ तल्ख से लम्हात भी थे, क्या बात, कुछ हादसे और सदमात भी थे, कुछ बेरुखी कुछ बेचैनी, कुछ मुंह में सिमटी वीरानी, पर अब के बरस ए दोस्त मेरे, अल्लाह से दुआ ये मांगी है, क्या बात है, कोई पल ना तेरा उदास गुजरे, कोई रोग ना तुझे रास गुजरे, तू फूलों की तरह खिला रहे, कोई शख्स तुझसे ना गिला करे, वाह, तू खुश रहे आबाद रहे, तू जो चाहे वो हो जाए, तू जो मांगे वो मिल जाए, तेरी माफ वो हर खता करे, तुझे ऐसे ही रब
अदा करे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। बहुत जुनैद भाई क्या बात है आपकी, ये कब आपने याद किया और क्यों आपने किया? सर एक पोएट्री आई थी। अच्छा। क्या बात, एक मैसेज एक किसी मेरे को अब छुट्टी होगी पोएट्री की। अच्छा वो मुझे कल एक बंदे ने पोएट्री सेंड की, उसने कहा जी आज फिर तुम्हारी याद आ गई। मैंने नीचे मैंने कहा बड़ी वजन वजनी लाइन आज फिर दिसंबर रो पड़ा। उसने कहा आज फिर पही है ना कहा मार के आज फिर तुम्हारी याद आई, आज फिर दिसंबर रो पड़ा। वहां पे लिखा था आज फिर तुम्हारी याद आ गई, या पान वाले ने कहा चूना कितना लगाऊं। वो कहते लोग चूना लगा गए जनाब, वो हमें तब याद आ गया। वैसे आपको एक बात बताऊं, सिर्फ वाहिद एक बंदा ये वाला है जो पान वाला जो आपको पूछ के कहता कि भाई जान कितना चूना लगा। अदरवाइज लोग आपको पूछते नहीं है, वो आपको चूना लगा देते हैं। पता मैसेज है अलविदा अलविदा ऐसा अलविदा कुछ आंसू कुछ खुशियां देकर टाल गया, लो जीवन का एक और सुनहरा साल गया। ऐ साल अलविदा दिसंबर की आखिरी सर शाम अलविदा, एक कल एक बार फिर नया सूरज तलू होगा। अल्लाह हम सब के लिए खैर आफियत सलामती लाए, आमीन सुमामीन और या रब्बुल आलमीन। और क्या मैसेज आया है के शुक्रिया भाई, भाई कोई नहीं ठीक हो गया जी, पोएट्री मैंने सुना दी, शुक्रिया भाई हो गया। और लिखा है कि सलाम दोनों भाई कैसे हैं जी, बिल्कुल ठीक ठाक। और लिखा है कि नया साल आपके लिए खुशियां लाए, ऐसे ही हा 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 करके करते रहें और हंसते रहें। जुनैद भाई आपकी बिग फैन, आपको आपको है ना पता? हाँ जी मुझे पता है, नूरे अर्श बिल्कुल मेरी बिग फैन, मेरी बड्डी वाली फैन, मुझे बिल्कुल समझ आ गई आपकी। और लिखा है जी इट द इट बुझाई है तो बंदे ने एक ईंट और घर गिर गिर दीवार के याद से एना तो ना जी अब अमवार 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 शहजाद तारड़ है, कहते हैं सलाम फ्रॉम बलोचिस्तान पाक आर्मी से, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के। लिखा है एक ईंट और गिर गई दीवारे हयात, वाह नादान कह रहा है नया साल मुबारक, क्या बात है क्या बात है। और नासिर अहमद कहते हैं कि इतना ना हो करीब के अरबाब गम नहीं, इतना ना हो करीब के अरबाब गम नहीं, अच्छे हमारी शायरी तो अच्छी है मगर हम नहीं अच्छे, हम नहीं अच्छे, क्या बात है। चले वो कह रहे आउट हो गया, तेरे तो पैर बताएगा तेरा आउट होगा। अभी जी हम फेसबुक से ब्रेक लेंगे और हम रेडियो पे भी ब्रेक लेंगे, तो फेसबुक वालों जहां रहे खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। फिलहाल हम रेडियो पे ब्रेक पे चलते हैं और फेसबुक से हम अभी थोड़ी देर तक ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ रहेगा, सुनते रहेगा हमारा खानी एफ 97। कहते हैं कि वॉइस ऑफ योर सोल, खुल के बोल, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।